पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे युवक युवतियों की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस कारण से कार में सवार दो लड़के और दो लड़कियां घायल हो गईं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, लेकिन करीब 3 घंटे तक घायलों को देखने कोई भी चिकित्सक नहीं पहुंचे, जिस कारण से परिजनों ने नाराजगी जाहिर की। टक्कर मारने वाले ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक चौबे कॉलोनी छतरपुर निवासी दीपा पुत्री शोभाराम पटेल 21 वर्ष, ग्राम बारा निवासी प्रीति पुत्र ब्रजमोहन 25 वर्ष, रामहेत पुत्र भूमानी दीन निवासी महाराजगंज ग्राम कर्री और खजवा निवासी कृष्णा पुत्र राम सेवक कार से पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए सागर जा रहे थे। सागर रोड पर बंधा तिराहे के समीप ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिस कारण से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रीति और रामहेत के सिर में चोट आई है, जबकि कृष्णा के कान और सिर और दीपा के सीने में चोट बताई जा रही है। सुबह करीब 10:30 बजे हुई दुर्घटना के बाद सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार तो उन्हें दे दिया गया, लेकिन कोई भी चिकित्सक उन्हें देखने नहीं आया। घटना को अंजाम देने वाले ट्रक को गुलगंज पुलिस ने जब्त कर लिया है। मेरा नाम श्याम स्वरूप पटेल है। क्या हुआ? मेरी गाड़ी आज सुबह कुछ मेरे भाई बहनों का एग्जाम था सागर में, तो उसके लिए मैंने गाड़ी सुबह से पहुँचाई थी, तो उसका एक्सीडेंट बना गड्ढा के पास एक ट्रक ने साइड से मार दिया, आगे से भी नहीं साइड से मारी। क्या हुआ फिर? अब वो लोग इंजर्ड हैं, जिला अस्पताल में आए थे, तो यहाँ पे प्राथमिक उपचार करने के बाद अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया जिसने अच्छे से उसका जांच किया हो या रेफर का पर्चा बनाया हो। अभी 3 घंटे हो गए तब भी अभी तक कोई नहीं आया। कितने लोग थे? 4 लोग थे। क्या उनको अंदरूनी चोटों का पता नहीं, प्रीति का सिर फट गया है या सिर में चोट है, और कृष्णा पटेल के कान साइड से चोट है, रामहित पटेल के दोनों तरफ चोट है सिर में, और दीपा पटेल के अंदर यहाँ सीने में चोट है, जिससे वो कोई अभी ढंग से चल नहीं पा रहा है अपने पैरों पर। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज जारी है, अंदरूनी इलाज का कोई ऐसी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, जिन्हें रेफर के लिए मिला है, बकाया अभी तक यहीं भर्ती है।